हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से एक बार लेकर आया हूँ स्मार्टफोन के ट्रिक्स एंड ट्रिप, जहाँ पर आपको वेबसाइट, एप्लीकेशन और कुछ सीक्रेट सेटिंग देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, वीडियो तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल बनता है तो टेक एडिक बनता है। तो देखते हैं सबसे पहला ट्रिक। तो पहला ट्रिक की वजह से आप अपने टेस्ट को फैंसी ट्रिक्स में जनरेट कर सकते हो। साथ ही दोस्तों, ढेर सारे फॉन्ट्स को भी आप यूज़ कर सकते हो। इसे करने के लिए आपको ना ही किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की ज़रूरत है, इसे आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो आपको जाना है क्रोम ब्राउज़र में और आपको सर्च करना है लिंगोजाम। जैसे सर्च करते हो तो आपके सामने जो पहला वेबसाइट देखने को मिलते हैं उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक स्पेस देखने को मिलता है, उस पर आपको कुछ भी टाइप करना है। टाइप करने के बाद आप नीचे देख सकते हो ढेर सारे आपको फॉन्ट्स देखने को मिलते हैं। फॉन्ट के साथ आपको कुछ जो टेक्स्ट होते हैं वो फैंसी में देखने को मिलते हैं, तो इसे आप यूज़ कर सकते हो। तो आपको जो भी पसंद आता है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसको आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों, आप जिसको भी भेजना चाहते हो उसे आप भेज सकते हो। तो ये जो फैंसी टेक्स्ट है वो देखने को बहुत सही लगता है। तो दोस्तों, आप अपने दोस्त और दोस्तों को जरूर भेज सकते हैं उनके बर्थडे पर या किसी इवेंट पर। तो इस वेबसाइट को जरूर ट्राई करना। तो नेक्स्ट ट्रिक है कीबोर्ड के रिलेटेड। तो हम जब नाइट में सो के जब कीबोर्ड यूज़ करते हो तो उसे बहुत दिक्कत आती है। तो अगर आप चाहते हो उसे आप वीक करना चाहते हो या उसे रिसाइज करना चाहते हो तो इसे आप कैसे कर सकते हो। इसे करने के लिए आपको आप जो भी कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हो उसके सेटिंग वाले ऑप्शन में देखने को मिलता है आपको एक रिसाइज का ऑप्शन, या दोस्तों आपको बाहरी ऑप्शन देखने को मिलता है रिसाइज पर, आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, उसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, बिग कर सकते हो, स्मॉल कर सकते हो, नीचे आप स्पेस भी दे सकते हो। तो जैसे आप उसे सेट करना चाहते हो उसे सेट करें। तो जैसे आप सेट करने के बाद आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हो। इसे आप सो के भी राइट टाइम में आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो इस ट्रिक को आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो नेक्स्ट ट्रिक है प्ले स्टोर के रिलेटेड। लेट सपोज दोस्तों, आप गए प्ले स्टोर पर और आपके सामने ढेर सारे एप्लीकेशन आते हैं और आप उसे डाउनलोड करना चाहते हो, या किसी कंपनी के बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जो आपको पसंद आए, या किसी एप्लीकेशन की जो साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, तो इसे आप डाउनलोड नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास स्टोरेज नहीं है या आपके पास नेट नहीं। तो ऐसे समय में दोस्तों, आपको जो एप्लीकेशन पसंद आई है उस पर थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद ऐड टू विशलिस्ट कर लेना। जितने भी सारे एप्लीकेशन को आप बाद में डाउनलोड करना चाहते हो उसको आपको इस तरह ऐड टू विशलिस्ट करना है। तो दोस्तों, जब भी आपके पास नेट हो तब भी दोस्तों आपको लाइब्रेरी में जाके विश लिस्ट पर क्लिक करना है। जिस ऐप को आपको डाउनलोड करना है उस ऐप पर क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर लेना। तो ये बहुत बढ़िया ट्रिक है। किसी भी ऐप को आप विश लिस्ट में ऐड करके उसे बाद में डाउनलोड कर सकते हो। तो इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करना। तो अभी हम देखते हैं व्हाट्सअप के रिलेटेड ट्रिक्स। तो ये जो ट्रिक है ये नया अपडेट है, इसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते। तो दोस्तों, आप क्या करते हैं, जब भी किसी को वॉइस मैसेज देते हो उसे देने के बाद ऊपर वाले लॉक वाले ऑप्शन पर स्वाइप अप करना है। इधर करने के बाद जो भी वॉइस मैसेज रिकॉर्डिंग करते हैं उससे रिकॉर्डिंग कर लेना। अगर आपका वॉइस रिकॉर्डिंग एंड हो चुका है तो बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करके स्टॉप कर लेना। स्टॉप करने के बाद अगर जो वॉइस मैसेज आपने रिकॉर्डिंग किया है वो सही आया है तो उसे सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेंड कर लेना। अगर वो गलत आया तो डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसे डिलीट कर लेना। तो जो ये ट्रिक है बहुत बढ़िया ट्रिक है। तो पहले क्या होता था, जब भी हम वॉइस मैसेज भेजते थे उसे भेजने के बाद हम उसे चेक करते थे कि वो सही गया है या नहीं गया है। तो अभी क्या कर सकते हो, आप भेजने से पहले चेक कर सकते हो कि आपका जो वॉइस मैसेज आपने भेजा है वो सही है या नहीं है। तो बहुत बढ़िया ट्रिक है, इस ट्रिक को आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक। तो इस ट्रिक में आपको एक वेबसाइट देखने को मिलने वाली है। इस वेबसाइट का नाम है ऑनलाइन फ्लैग वेवर। जैसे आप सर्च करते हो जो आपको फर्स्ट वेबसाइट देखने को मिलती है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस देखने को मिलता है। ये जो आपको जो फ्लैग दिख रहा है इस तरह दोस्तों, आप अपने फोटो को भी ऐड कर सकते हो और दोस्तों आप देख सकते हो कि आपका जो फोटो है वो किस तरह से फ्लैग वेव हो रहा है, मतलब बहुत सही वेबसाइट है। तो आपको क्या करना है, नीचे आपको वेव मिलेगा और फाइल वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते जिस भी इमेज को आप ऐड करना चाहते हो उसे ऐड कर सकते हो। आप देख सकते हो मैंने पबजी का ऐड किया है। साथ ही दोस्तों, मैंने मेरे जो रिसेंट वीडियो है उसके में एक थंबनेल को भी ऐड किया है। तो बहुत सही है, आप इसकी ट्रिक को जरूर ट्राई करना चाहिए। और आप अपने फोटो को भी देख सकते हो कि आपका जो फोटो है किस तरह वेव करते हैं फ्लैग पर। इसे एक बार जरूर ट्राई करना है, बहुत बढ़िया वेबसाइट है। तो अभी हम देखते हैं एक लॉन्चर ऐप के बारे में। इस ऐप का नाम है प्रोडक्टिविटी लॉन्चर ऐप। जैसे इस पर आप क्लिक करते हो इसमें आपको मिनिमल सा लुक देखने को मिलता है। और दोस्तों, इस ऐप के में आप फोन जेस को कम कर सकते हो या को अपने गोल पर ज़्यादा फोकस रह सकते हो, इसका लुक आप देख सकते हो। ऐप को एक्सेस करने के लिए लेफ्ट में स्वाइप करना है। जैसे आप लेफ्ट में स्वाइप करते हो तो सारे ऐप को आप एक्सेस कर सकते हो। इसमें आपको ऐप पिक्चर में देखने को नहीं मिलते, जो उसके नेम होते हैं उसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो बहुत सही एप्लीकेशन है। इसमें आपको कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, अलग अलग थीम देखने को मिलते हैं, फंड भी आप चेंज कर सकते हो। तो ये जो लॉन्चर का ऐप है वो बहुत सही लॉन्चर है। अगर आप इसे सेट करना चाहते हो तो प्रोडक्टिविटी लॉन्चर एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करना।